हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन पवन बाग एकेडमी. माय सेल्फ धन्वंतरी देशमुख. आज हम लोग वापस क्या देखेंगे, वही लेसन, उसी लेसन का नेक्स्ट पार्ट, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स. इसमें हमने अब तक क्या क्या देखा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा और बाद में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया. उसमें हमने प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन देखा है, गैमेटोजेनेसिस, और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग, और उसे हम क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस. ओजेनेसिस से क्या फॉर्म होता है, एग फॉर्म होता है. अब ओजेनेसिस, जैसे हम बोल रहे हैं इसे ओजेनेसिस, मतलब क्या है, ओ मीन्स एग एंड जेनेसिस मीन्स वापस फॉर्मेशन. जेनेसिस अगर वर्ड कहीं पे भी आ जाए उसका मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एग का फॉर्मेशन हो रहा है. जैसे हमने देखा कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसी तरह से यहाँ पे एग का फॉर्मेशन होगा. अब ये जो प्रोसेस है ओजेनेसिस का, ये कब स्टार्ट होगा, तो ये ऐसा प्रोसेस है जो फीमेल बॉडी में फीटस स्टेज में ही स्टार्ट होता है. उसके बाद वो अगेन डॉर्मेंट कंडीशन, हम उसे डॉर्मेंट कंडीशन नहीं बोल सकते, बट वो रुक जाता है और अगेन इट विल स्टार्ट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. अब अगेन ओजेनेसिस, उसके कितने फेजेस है, जैसे हमने गैमेटोजेनेसिस में देखा उसी तरह हमें वापस यहाँ पे क्या देखना है, ओजेनेसिस के अलग अलग फेजेस है. और ओजेनेसिस जो है, जैसे हमने गैमेटोजेनेसिस में देखा उसका ओरिजिन या फिर वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स. देखिए अब तक हमने क्या देखा, जो ओजेनेसिस है वो कैसा होता है, स्टार्ट जो होता है, इट स्टार्ट्स इन द फीमेल बॉडी एट द फीटस स्टेज ओनली. ओके, ये स्टार्ट कब होगा, जब ये फीटस स्टेज में होगा उसी वक्त ये जो ओजेनेसिस का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा. और अगेन इसको स्टार्ट होने के लिए क्या लगेगा, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, प्री मॉर्डियल जर्म सेल्स, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स इसके लिए लगेंगे. जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी देखा था कि वहां पे क्या लग रहा था, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स वहां पे लग रहे थे. उसी तरह से आगे अगेन ये जो प्रोसेस है ओजेनेसिस का, वो जब फॉर्म होगा तो उसमें क्या क्या होने वाला है, मियोसिस डिवीजन सबसे पहले होगा, माइटोसिस, और उसके बाद होगा मियोसिस. ठीक है, और इसमें अगेन मियोसिस में फर्स्ट डिवीजन भी होगा, उसके साथ सेकेंड डिवीजन भी होगा. इस तरह से हम मियोसिस की या फिर ओजेनेसिस के स्टेजेस देखने वाले हैं. अब अगेन ओजेनेसिस क्या है वो तो हमने अभी देखा, आगे हम देखते हैं इसके फेजेस, ओजेनेसिस के डिफरेंट फेजेस. अब ओजेनेसिस जो है वो चलता है तीन फेजेस में. सबसे पहला है
मल्टीप्लिकेशन फेज। उसके बाद आएगा ग्रोथ फेज और उसके बाद आएगा मैच्यूरेशन फेज। ये जो फेजेस है वो ऊजेनेसिस में और गैमेटोजेनेसिस में दोनों में सेम है। बस जब हम इसे डिटेल में देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें कुछ डीप में जाके कुछ डिफरेंसेस ज़रूर है, बट ये फेजेस तो सेम है दोनों में। अब मल्टीप्लिकेशन फेज है, ग्रोथ फेज है और कौन सा फेज है, मैच्यूरेशन फेज। अब हम सबसे पहला फेज देखते हैं, कौन सा फेज है सबसे पहला फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। अब इस फेज में क्या होने वाला है, इस फेज में सबसे पहले कौन आएगा, प्रीमॉर्डियल जर्म सेल। प्रीमॉर्डियल जर्म सेल। अब ये जो प्रीमॉर्डियल जर्म सेल है वो आता कहाँ से है, तो ये जो प्रीमॉर्डियल जर्म सेल है वो ओवरीज में पहले से मौजूद होता है और इस प्रीमॉर्डियल जर्म सेल से आगे जाके क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। बट जब ये मल्टीप्लाई होगा कौन से प्रोसेस से होगा, माइटोसिस से होगा। किससे होगा, माइटोसिस। ओके, मतलब देखो अगर यहाँ पे है हमारा प्रीमॉर्डियल जर्म सेल, हम इसे क्या बोल रहे हैं, प्रीमॉर्डियल जर्म सेल। ओके, अब ये जो प्रीमॉर्डियल जर्म सेल है ये बाकी दूसरे सेल से हम कैसे देखेंगे कि वो अलग कैसे है बाकी दूसरे सेल से, तो वो साइज में छोटा होगा। उसमें वो क्या होगा कि बस साइज में छोटा होगा, और वो साइज में क्यों छोटा होगा, क्योंकि उसके साइटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल थोड़ा कम होगा, इस वजह से वो साइज में कम होगा। बट उसके न्यूक्लियस में जो भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है वो जैसा एक सेल में होता है उसी तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होगा। बस फर्क यहाँ पे क्या दिखेगा आप लोगों को कि उसका जो साइटोप्लाज्म है उसकी अमाउंट कम होने की वजह से ये जो प्रीमॉर्डियल जर्म सेल है वो आपको छोटा दिखेगा। अब ये प्रीमॉर्डियल जर्म सेल जो है उसमें क्या होने वाला है, अगेन मल्टीप्लिकेशन होगा, और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद इसके अगेन क्या मिलेंगे, डॉटर सेल्स मिलेंगे। ये जो प्रीमॉर्डियल जर्म सेल है वो किस कंडीशन में है, 2n कंडीशन में है। अब 2n कंडीशन मैंने आपको बोला ही है गैमेटोजेनेसिस के वक्त, मतलब यहाँ पे जब भी हम 2n कंडीशन के बारे में बात करते हैं उस वक्त हम फोकस कहाँ कर रहे हैं, हम लोग न्यूक्लियस पे फोकस करते हैं। और न्यूक्लियस पे फोकस करते हैं मतलब क्या कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, वो जो क्रोमोसोम है वो 2n कंडीशन में है। अब n मतलब ये जो n नंबर बोलते हैं, मतलब n इज रिलेटेड टू नंबर, n मतलब वो किसी नंबर के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे अभी 2n है, मतलब क्या है यहाँ पे, दो सेट है किसके, क्रोमोसोम्स के। कहाँ पे मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर, और वो न्यूक्लियस कहाँ पे है, इस प्रीमॉर्डियल जर्म सेल के अंदर। अब उस न्यूक्लियस में दो कॉपीज है क्रोमोसोम की, फिर ये क्या करेगा, अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस होने वाला है। क्या होने वाला है, माइटोसिस। कल मैंने आपको बोला कि माइटोसिस कहाँ पे होता है, माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स में होता है। अब ये जो भी प्रोसेस चल रहा है गैमेट फॉर्मेशन के पहले वाला जो भी प्रोसेस है, यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। अब माइटोसिस से क्या होने वाला है, माइटोसिस को ही हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। यहाँ पे बस आपको क्या दिखेगा, मल्टीप्लिकेशन होता हुआ दिखेगा आपको, यहाँ पे रिडक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए उसके बाद
जो भी डॉटर सेल्स फॉर्म होने वाले हैं, जो भी मल्टीप्लाई होने वाले हैं सेल, वो भी कैसे होने वाले हैं, 2n कंडीशन वाले सेल हैं। ये जो सेल है जो मल्टीप्लाई हुए वो भी 2n कंडीशन में ही है। अब आगे जाके प्रीमॉर्डियल जर्म सेल से क्या फॉर्म होगा, पूगोनिया। क्या फॉर्म होगा, ऊगोनियम। इसे हम क्या बोल रहे हैं अभी, ऊगोनियम। देखो यहाँ पे था प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स, यहाँ पे आके वो हो चुका है ऊगोनियम। ओके, अब इस फेज में, मल्टीप्लिकेशन फेज में बस क्या होने वाला है, बस ये जो प्रीमॉर्डियल जर्म सेल है उससे आपको बहुत सारे ऊगोनियम मिलेंगे। नंबर ऑफ ऊगोनियम जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे यहाँ जाके। और बाकी उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ओके, बस वो मल्टीप्लाई होने वाले हैं सेल्स। इसलिए हम इस फेज को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। अब आगे जाके देखते हैं कौन सा फेज है। आगे का फेज है ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज में क्या होने वाला है, हमने लास्ट वाले फेज में क्या देखा, प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स थे। देखो यहाँ पे प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स थे और उससे हमें क्या मिला, ऊगोनियम मिला। और फिर ऊगोनियम के बाद यहाँ पे क्या हुआ था, वो कैसे मिला था हमें, माइटोसिस से मिला था। अब यहाँ पे ग्रोथ फेज में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होने वाला है, ये वाला फेज हमने कौन सा देखा था, मल्टीप्लिकेशन फेज। यहाँ पे हो रहा था मल्टीप्लिकेशन, ओके। अब ग्रोथ फेज में क्या होने वाला है, यहाँ पे जो भी ऊगोनियम है वो क्या करेंगे, बस उसमें ग्रोथ होने वाली है। अब ग्रोथ होगी मतलब क्या होगा, ग्रोथ का मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है, उस वो न्यूट्रिएंट्स बढ़ रहे हैं वहां पे। तो वो न्यूट्रिएंट्स है वो किस स्टेज में बढ़ेंगे, तो ग्रोथ फेज में बढ़ेंगे। बट वो कैसे बढ़ेंगे अभी, अब देखो यहाँ पे जो हमने ऊगोनियम देखे थे, अब इसे हम ऊगोनियम बोलेंगे। और ऊगोनियम हमने देखा था अगेन 2n कंडीशन में ही था, बट यहाँ पे अभी बढ़ने क्या वाला है, तो अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा बढ़ेगा, उसके बाद इस सेल के अंदर, इस ऊगोनियम के अंदर अब क्या क्या आने वाला है, क्या क्या बढ़ने वाला है अमाउंट में, यहाँ पे ER बढ़ेगा, गोल्जी बढ़ेगा, उसके बाद नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी बढ़ेंगे। क्या क्या बढ़ेगा, ER बढ़ने वाला है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है जो इस ग्रोथ फेज के लिए लगेंगे वो सारे यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। और ये जो बढ़ने वाले न्यूट्रिएंट्स है जो बढ़ेंगे वो आगे जाके किस काम में आने वाले हैं, आगे जाके जो फेज है वो है मैचुरेशन डिवीजन। उसमें ये जो भी बढ़े हुए ऑर्गेनेलीज है, इसे हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। और इन ऑर्गेनेलीज का काम क्या है आपको पता ही है, जो ER है वो किस में यूज होता है, ER जो है वो अगेन टू टाइप्स का होता है, एक स्मूथ ER होता है, एक रफ ER होता है। और जो रफ ER है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और वो जो राइबोसोम्स है उनका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का, वो प्रोटीन बनाते हैं। और हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादातर प्रोटीन से बनी है, और अगर उस बॉडी के लिए प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन जो बनाता है, प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी या फिर प्रोटीन बनाने वाला जो ER है, रफ ER है, वो भी तो उसमें चाहिए। अब प्रोटीन बनाने वाला जो रफ ER है वो इस सेल में बढ़ेगा, ताकि मैचुरेशन डिवीजन में जब ये सेल जाए उस वक्त मैचुरेशन के प्रोसेस में ये जो बना हुआ प्रोटीन है ER की तरफ से वो उसमें हेल्प करेगा।
उसके बाद गोल्जी भी बढ़ेगा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया भी बढ़ेगा। गोल्जी के साथ क्या बढ़ेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अभी माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है आपको पता है? सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। हम इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका अपना खुद का डीएनए है। क्या है उसके पास? अपना खुद का डीएनए है। और फिर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर इसका नंबर इस सेल में बढ़ेगा तो वो अगेन क्या करेगा? जो एनर्जी क्रिएट करने का काम है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये भी यहाँ पे बढ़ेगा। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर दोनों भी मैचुरेशन फेज में जाके इस सेल को मदद करेंगे। समझ में आया? इस यही काम ग्रोथ फेज में हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब इट इंक्रीजेस व्हाट अमाउंट ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज, सेल ऑर्गेनेलिज लाइक दैट इज, व्हाट इज दैट? ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एक्सेट्रा, एज वेल एज इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी थोड़ी अमाउंट में बढ़ सकता है। ये सारी चीजें कहाँ होने वाली है? ग्रोथ फेज में। यहां तक हमने देखा ग्रोथ फेज। अब आगे जाके हम देखते हैं मैच्यूरेशन फेज। उससे पहले मैं आपको एक बार ये डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए अभी यहाँ पे हमने क्या देखा? ये है मल्टीप्लिकेशन फेज। अब इस मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हो रहा है? हमने पहले क्या देखा था? देखो मल्टीप्लिकेशन फेज में हमने देखा था प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स, उससे शुरुआत हुई है। अब देखते अब यहाँ पे जो प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे इस जगह पे क्रोमोसोम नंबर दिखाए गए हैं कि कितने हैं। इसका मतलब ही है ये क्यों, कौन सी कंडीशन है? यहाँ पे 2n है, यहाँ पे भी 2n है, यहाँ पे n है और यहाँ पे n कंडीशन है। मतलब ये सारे क्रोमोसोम नंबर दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको फेजेस दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे आगे जाके अब यहाँ पे है टाइप ऑफ जर्म सेल। ये हमें क्या दिख रहा है? इसमें जो भी है, देखो सबसे पहले हमको फेजेस याद रखना है, उसके बाद क्रोमोसोम नंबर कैसे बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो याद रखना है, उसके बाद हमें क्या देखना है? टाइप्स ऑफ जर्म सेल। जैसे आगे उसकी ग्रोथ होगी या फिर वो आगे के फेज में जाएगा, उस तरह से और उसके हिसाब से उसका नाम भी चेंज होगा। अब सबसे पहले प्रीमॉर्डियल जर्म सेल से शुरुआत हुई थी। प्रीमॉर्डियल जर्म सेल जो है उसको हमने क्या किया? डिवाइड किया, मल्टीप्लाई हो गया। वो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो ऊगुनियम में चला गया, देखो यहाँ पे। और ये जो प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन फेज वाला, यहाँ पे हमें एडिशनल क्या मिली? ऊगुनिया मिले। फिर ऊगुनिया के बाद उसने एंट्री कहाँ पे की? अगेन ग्रोथ फेज में की। और वहां पे क्या मिला है? प्राइमरी ओसाइट मिला है। अब देखते हैं, अगेन हम पीछे जाएंगे। अब देखिए मैच्यूरेशन फेज में आते हैं। अब हमें वापस क्या मिलेगा? यहाँ पे वापस यहाँ पे लिखते हैं प्रीमॉर्डियल जर्म सेल, वो कहाँ पे गया? ऊगोनिया, ऊगोनियम फॉर्म हुआ। और वो कैसे फॉर्म हुआ था? माइटोसिस से। और ये जो था ये 2n कंडीशन में था, ये भी 2n कंडीशन में है। और अब जाके यहाँ पे क्या होने वाला है?
प्राइमरी देखो यहां पे आपको दिखा दो एक बार, देखो यहां पे जो है प्राइमरी ओसाइट फॉर्म हो जाएगा, वो कहां पे फॉर्म होने वाला है, ग्रोथ फेज में ही फॉर्म हो जाएगा प्राइमरी ओसाइट। यहां तक ये जो था ये वाला था मल्टीप्लिकेशन फेज, ये वाला था ग्रोथ फेज। अब अगेन प्राइमरी ओसाइट भी 2n कंडीशन में ही है, फिर ये जो प्राइमरी ओसाइट है वो क्या होगा, अगेन डिवाइड होगा किसमें, सेकेंडरी ओसाइट में। यहां पे क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट। बट जब ये प्राइमरी से सेकेंडरी ओसाइट में जाएगा उस वक्त यहाँ पे क्या चेंजेस होने वाले हैं? अगेन हम लोग डायग्राम की तरफ जाते हैं। हमने देखा जो सबसे पहले प्रीमोर्डियल जर्म सेल था उससे उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ, उससे क्या फॉर्म हो गया, ओगोनियम फॉर्म हो गया। ओगोनियम भी किस स्टेज में था, 2n कंडीशन में था। फिर उसके बाद क्या हुआ, ओगोनियम का वापस प्राइमरी ओसाइट फॉर्म हो गया, और वो जो प्राइमरी ओसाइट था वो भी 2n कंडीशन में मिला है हमें। फिर प्राइमरी ओसाइट को जब सेकेंडरी ओसाइट में जाना है, उस स्टेज में जाना है जब उसे मैचुरेशन फेज में जाना है, तब पहले तक उसमें माइटोसिस हो रहा था, अब जाके वहां पे क्या होने वाला है, मियोसिस होगा। और जब माइटोसिस हो रहा था तब क्या हो रहा था, माइटोसिस में बस मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, और अब यहाँ पे रिडक्शन होगा, यहाँ पे मियोसिस में रिडक्शन होने वाला है। इसलिए देखिए यहाँ पे, यहाँ तक आपको क्या दिख रहा था, 2n कंडीशन, अब आगे जाके यहाँ पे n कंडीशन दिखने वाली है। मतलब जब यहाँ पे मियोसिस हो जाएगा, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम यहाँ पे दिखने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे मियोसिस के बाद एक ही सेट दिखेगा क्रोमोजोम का, और उसके साथ ये जो प्राइमरी ओसाइट है वो सेकेंडरी ओसाइट में जाएगा। ये जो प्राइमरी ओसाइट है उसका डिवीजन कैसे होगा, सेकेंडरी ओसाइट, और उसके साथ और दूसरा क्या मिलेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब यहां जाके डिफरेंस है गैमेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में। यहां तक तो सारे प्रोसेसेस सेम है, प्राइमरी प्रिमोर्डियल जर्म से उससे ओगोनियम, उसके साथ प्राइमरी ओसाइट। बट आगे जाके यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉडी, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज स्पेशल इन द फीमेल बॉडी व्हेन द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस इज टेकिंग प्लेस। यहाँ पे जो प्राइमरी ओसाइट था, अब ये प्राइमरी ओसाइट है समझो, और उसका डिवीजन हो रहा है, एक सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म हो जाएगा, और दूसरा हम क्या बोल रहे हैं इसको, फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये जो है, ये है सेकेंडरी ओसाइट। अब दोनों में फर्क क्या है, डिवीजन तो हो चुका है, और डिवीजन होते वक्त बस एक जो है वो साइज में बड़ा है, और एक जो है मतलब पोलर बॉडी जो है वो साइज में छोटी है। अब ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो साइज में छोटी क्यों है, तो वो साइज में छोटी इस वजह से है क्योंकि हमने देखा यहाँ पे भी क्या है, ये जो प्राइमरी ओसाइट था उसके अंदर भी 2n कंडीशन थी, और यहाँ पे जाके जो प्राइमरी ओसाइट का सेकेंडरी ओसाइट बना, सॉरी यहाँ पे 2n कंडीशन थी प्राइमरी ओसाइट की, फिर उसके बाद ये जो था सेकेंडरी ओसाइट बना, यहाँ
यहाँ पे भी उसकी 2n कंडीशन थी, और बाद में इसका क्या बना, इसको डिवाइड होते हुए फर्स्ट पोलर बॉडी मिली यहाँ पे। अब उन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ तक हमने जो देखा यहाँ पे भी 2n कंडीशन थी, ओके। आगे जाके यहाँ पे अभी मियोसिस हो गया और फिर यहाँ पे n कंडीशन और n कंडीशन मिली। तो n कंडीशन मतलब हम किस बारे में बात कर रहे हैं, बस इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है उसके बारे में। अब दोनों का साइज कम ज्यादा तो है, बट वो कम ज्यादा क्यों है, अंदर का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो भी है, जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, उसका जो डिवीजन हुआ है उसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। जब हम मियोसिस करते हैं, मियोसिस का प्रोसेस देखते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, पहले कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है, जहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, उसका प्रोसेस तो यहाँ पे सेम हुआ है, सही हुआ है, दोनों बराबर से डिवाइड हुए, दोनों में सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी एन कंडीशन है, यहाँ पे भी एन कंडीशन है, तो फर्क कहाँ पे हुआ। अब इसका साइज कम ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, जो बड़ा है, जिसे हम सेकेंडरी ओसाइट करके बुलाते हैं, वो कैसा है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म ज्यादा है, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उसके अंदर का साइटोप्लाज्म का पोर्शन कम है। अब क्यों ये हुआ है, अब यहाँ पे जो भी सेकेंडरी ओसाइट है, आगे जाके उसका एग फॉर्म होने वाला है, और अगर एग बनना है इस सेल को, तो उसके अंदर ऑब्वियसली ये सारे जो ऑर्गेनेल्स फॉर्म हुए थे, कब फॉर्म हुए थे, ग्रोथ फेज में, जो ऑर्गेनेल्स ग्रोथ फेज में फॉर्म हुए, वो ज्यादातर इस सेकेंडरी ओसाइट में होनी चाहिए, क्योंकि अब इस एग को आगे जाके एक पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म करना है, इसलिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सारे ऑर्गेनेल्स एज वेल एज साइटोप्लाज्म जो है, वो सारे दे आर मोर इन नंबर, वो ज्यादा है नंबर में, या फिर बाकी के रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स भी उस साइटोप्लाज्म में ज्यादा है। अब और जो दूसरा पोलर बॉडी बन के आ रहा है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म कम है, बट उसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है, या फिर हम बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल है, उसकी सेम कॉपीज है। आपको अगेन एक क्वेश्चन आ सकता है कि पोलर बॉडी से भी तो एक ही साथ दो एग बन सकते थे, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि अगर एक एग को ओसाइट बनना है, तो उसे सारे ऑर्गेनेल्स और उसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स है, वो ज्यादा अमाउंट में लगेंगे, और अगर वो ज्यादा अमाउंट में उसे चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे जो डिवीजन हुआ है वो कैसा हुआ, अनइक्वल डिवीजन हुआ, और उस अनइक्वल डिवीजन के वजह से ही ये जो अनइक्वल डिवीजन है, दैट अनइक्वल डिवीजन इज हेल्पिंग दिस सेकेंडरी ओसाइट टू बिकेम अ एग, ठीक है, इसलिए ये एग बन पाता है, और ये जो पोलर बॉडी है इसका वैसे बाद में कोई यूज नहीं होता, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगेन एक बार डायग्राम की तरफ जाते हैं, देखिए यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट के साथ क्या हुआ है, फर्स्ट पोलर बॉडी तो फॉर्म हो चुकी है अभी, अब आगे जाके क्या होने वाला है, वापस वो जो सेकेंडरी ओसाइट है वो वापस डिवाइड होगा। अब वो वापस डिवाइड होने के बाद, अब वो वापस डिवाइड कब होगा, यहां तो हो गया फर्स्ट मियोसिस, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन तो हो गई, बट उसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद जो भी कुछ यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है वो क्या होगा, वो रुक जाएगा और वो मेटाफेज स्टेज में जाके रुक जाएगा, और आगे जाके फिर जब when the process of fertilization will take place, when the
स्पर्म विल मीट दैट एग दैट टाइम, क्या होगा उस वक्त जब फ्यूजन होगा एग और स्पर्म का, उस वक्त आगे जाके फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। ये पहले रुक जाता है, ये रुक जाएगा और बाद में जब स्पर्म आके उस एग को मिलेगा उस वक्त क्या होगा, ये जो है सेकेंडरी ओसाइट जो एन कंडीशन में था वो क्या करेगा, वापस से डिवाइड हो जाएगा। और वो वापस से डिवाइड जब होगा, वापस उसके डिवीजन के वक्त क्या होगा, एक सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म हो जाएगी और एक क्या हो जाएगा, एक ओसाइट अगेन फॉर्म होगा। बट अब यहाँ जाके सेकंड मियोटिक डिवीजन के बाद, सेकंड मियोटिक डिवीजन के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन होगा और फिर आगे के प्रोसेस से जायगोट बनेगा। बट ये कब होगा, देखो अभी यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी तो फॉर्म हो चुकी, फर्स्ट पोलर बॉडी के बाद, फर्स्ट पोलर बॉडी कैसे फॉर्म हुई, मियोसिस के बाद। बट मियोसिस के बाद जब फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म हुई और यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट मिला, तो वो जो भी कुछ था प्रोसेस वो यहीं पे रुक चुका है, वो रुक गया। और बाद में वो अगेन कब स्टार्ट होता है, वापस से चालू कब हो जाता है, जब स्पर्म आके उस एग को मिले। ये जो है ये इम्पॉर्टेंट टर्न है इस प्रोसेस का, ओजेनेसिस का इम्पॉर्टेंट टर्न है ये। यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट में देखो, आपने देखा माइटोसिस हुआ, डिवीजन हुआ, उसके बाद प्राइमरी ओसाइट बना, प्राइमरी ओसाइट के बाद अगेन उसके अंदर मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट के बाद अगेन एक पोलर बॉडी फॉर्म हुआ, उसके बाद एक सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म हुआ। बट उसके बाद जो भी सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म हुआ था उसकी जो डिवीजन थी या फिर उसकी ग्रोथ थी या फिर उसका मैचुरेशन का प्रोसेस था, वो सारा वहीं पे रुक चुका है। अब वो स्टार्ट कब होगा, स्टार्ट तो होगा ही वो, बट कब होगा, जब भी आके उसे एक स्पर्म मिल जाए और वो उस एग को फ्यूज्ड कर दे या फिर फर्टिलाइज कर दे, उसके बाद ही यहाँ पे मियोसिस टू होगा, मियोटिक डिवीजन होगी। कौन सी, सेकंड मियोटिक डिवीजन हो जाएगी। और सेकंड मियोटिक डिवीजन के बाद अगेन क्या होगा, एक मैच्योर्ड ओवम फॉर्म हो जाएगा, एक क्या होगा, मैच्योर्ड ओवम फॉर्म हो जाएगा। और फिर वो जो ओवम है क्या होगा, वो ओवम का आगे जाके जायगोट बनेगा। गॉट इट। और यहाँ पे वो जो एक ओवम फॉर्म होगा और दूसरा जो है यहाँ पे, इसे हम मैच्योर्ड ओवम बोल रहे हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगेन एक फीमेल प्रोन्यूक्लियस है और मेल प्रोन्यूक्लियस है। इस प्रोसेस के फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको कब बोला था, एम्फीमिक्सिज्म में मैंने आपको ये सारा प्रोसेस बोला था कि जायगोट कैसे फॉर्म होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, जायगोट है। अब उसके बाद ये जायगोट फॉर्म हो जाएगा, ओके। और अगर ऐसा हुआ कि स्पर्म आके उस एग को ना मिले, उस वक्त ये जो सेकेंडरी ओसाइट है वो तैयार तो हो रहा है, उसे कहीं ना कहीं तो जाना है अभी, तो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है उसे मेनस्ट्रम के साथ बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ओके। और अब ये जो प्रोसेस है ओजेनेसिस का, वो हो कहाँ रहा है, अब ये है यूटेरस, ओके। अगेन देखिए ये वाला जो पार्ट है हम इसे क्या बोल रहे हैं, यूटेरस है, ओके। ये वाला इतना पार्ट जो है ये यूटेरस है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है जो यूटेरस को जॉइन है, जो टिब्यूलर स्ट्रक्चर है, वो है फैलोपियन ट्यूब। और इस फैलोपियन ट्यूब को अटैच, जो कैसे लगता है, ऐसे लगता है कि हमारी उंगलियां, हमारे हाथ का जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही स्ट्रक्चर इसका है। इसे हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्री। ये मैं आपको वापस डिटेल में बोलूंगी जब हम स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस देखेंगे। ये है फिम्ब्री। अब ये जो फिम्ब्री है और यहाँ पे अगेन एक साइड से अटैच क्या है, ओवरी है। ये जो ओवरी है इसके अंदर, इसके अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है,
ऊजनेसिस का, यहाँ पे प्रिमोर्डियल जर्म सेल है, प्रिमोर्डियल जर्म सेल से ऊगोनियम फॉर्म हो जाएगा, ऊगोनियम से सेकेंडरी ऊसाइट फॉर्म हो जाएगा, सेकेंडरी ऊसाइट जो है वो बाद में यहाँ से दिया जाएगा बाहर और वो आएगा इस फिमरी के पास, और इस फिमरी के पास से वो जो एग है वो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद यहाँ पे उसे क्या मिलेगा, उसे मिलेगा स्पर्म, और फिर वो जो स्पर्म है वो उसे क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, फिर अगेन ये आगे जाएगा और ये यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएगा। ये था प्रोसेस ऊजेनेसिस का, ओके। और अगर ये स्पर्म इसे ना मिले तो ये जो एग है वो बाहर आएगा, यहाँ से बाहर आएगा और वो मेंस्ट्रम के साथ बॉडी में से निकाल दिया जाएगा, वो बाहर फेंक दिया जाएगा। समझ में आ चुका है ये सारा प्रोसेस? और अब बात करते हैं इस पोलर बॉडीज की। ये जो पोलर बॉडीज है इनके पास अभी प्रॉपर अमाउंट में साइटोप्लाज्म नहीं है। इसके पास, इन पोलर बॉडीज के पास जेनेटिक मटेरियल तो सही है बट उनके पास साइटोप्लाज्म नहीं है। और अगर साइटोप्लाज्म उनके पास प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो क्या वो हेल्प करेंगे एज अ सेल? एज अ सेल वो प्रॉपर है? नहीं। और इसी वजह से ये जो भी पोलर बॉडीज बनी है वो क्या हो जाएंगी, दे विल गेट डीजनरेटेड, वो डीजनरेट हो जाएंगी और बस यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा ऊसाइट। यहाँ तक आप सबको समझ में आ चुका है? तो अब हम लोग एक बार वापस रिवीजन करते हैं। कैसे? देखो कितनी फेजेस थी, फेजेस इन, यहां से स्टार्ट करते हैं ऊजेनेसिस। अब ऊजेनेसिस जो है वो फीमेल बॉडीज में कब स्टार्ट होता है? एट द फीटस स्टेज ओनली, ओके, वहां पे स्टार्ट हो जाता है ये। और उसके बाद जो प्रोसेस है ऊजेनेसिस का, उसका ओरिजिन या फिर उसका बेस कहाँ पे है, उसको सेल्स कहाँ से मिलते हैं, वो एज अ रॉ मटेरियल किस सेल को यूज करते हैं, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स को। प्रीमोर्डियल, प्रीमोर्डियल मतलब वो पहले से वहाँ पे मौजूद है, उस सेल्स को यूज करते हैं। और फिर आगे जाके उसके अंदर बहुत सारे फेजेस, मतलब तीन फेजेस में वो काम करता है ये प्रोसेस। बट वो काम करते वक्त यहाँ पे माइटोसिस का प्रोसेस भी होता है और उसके साथ मियोसिस भी होता है। माइटोसिस एक ही बार होगा, मियोसिस क्या होगा, वो भी एक बार होगा, बट उसके आपको पता है मियोसिस के दो डिवीजन है। मियोसिस का फर्स्ट डिवीजन भी होगा और सेकंड डिवीजन भी होगा। ये सारी चीजें जो है ऊजेनेसिस में आपको देखने मिलेंगी। अब आगे देखते हैं कि इसके तीन फेजेस है, मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन। उसके बाद आपको दिखेगा मल्टीप्लीकेशन फेज में आपने क्या देखा, प्रीमोर्डियल जर्म सेल से क्या हुआ, उसका मल्टीप्लीकेशन हुआ प्रीमोर्डियल जर्म सेल का, और उसे दो डॉटर ऊगोनियम मिले, और दो डॉटर ऊगोनियम जो थे उनका जो जेनेटिक मटेरियल था वो 2N कंडीशन में था, मतलब टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या थे, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, मतलब ही 2N कंडीशन था। और ये जो भी प्रोसेस हुआ किसका, मल्टीप्लीकेशन का, वो माइटोसिस से हुआ है। आगे जाके क्या फॉर्म हुआ, हमें क्या मिला मल्टीप्लीकेशन में, ऊगोनियम मिला। और आगे जाके ऊगोनियम के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो भी ऊगोनियम मिला था उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ फेज में बस उस सेल्स, जो भी सेल्स फॉर्म हुए थे उनका साइज इंक्रीज हुआ है, या फिर उसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स थे वो इंक्रीज हुए, उनका नंबर इंक्रीज हुआ, साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हुए ताकि वो आगे जाके मैच्योरेशन फेज में काम कर सके। और उसके बाद हमने देखा कि मैच्योरेशन फेज में अगेन क्या हुआ, जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स थे ऊगोनियम बने थे, उसके बाद
प्राइमरी ओसाइड बना था, अब वो प्राइमरी ओसाइड भी 2n कंडीशन में था और उसके बाद बना सेकेंडरी ओसाइड, बट वो सेकेंडरी ओसाइड के साथ ही क्या बना, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है यहाँ पे। और जब पोलर बॉडी बनती है तो वो क्या दिखाते हैं, अनइक्वल डिवीजन दिखता है, और वो जो अनइक्वल डिवीजन है वो किस वजह से दिखता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो है वो अनइक्वल हुआ है, ना कि जेनेटिक मटेरियल जहाँ पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस उसका डिवीजन सही हुआ है। न्यूक्लियस का डिवीजन इक्वल है, देखो मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ, न्यूक्लियस इज इक्वल टू इक्वल डिवीजन, इक्वल डिवीजन, साइटोप्लाज्म अनइक्वल डिवीजन। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आके बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, अनइक्वल डिवीजन। ओके, और उसके बाद आगे हमने देखा, इस पिक्चर में हमने आगे जाके देखा था कि जो मियोसिस फर्स्ट वाला डिवीजन हुआ, और मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या दिखा हमें कि रिडक्शन हुआ। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभी ओनली 23 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन वन सेल, एक ही सेट है अभी क्रोमोसोम का, 23 पेयर्स नहीं बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बस 23 क्रोमोसोम्स है, और उसके साथ ही पोलर बॉडीज का भी फॉर्मेशन हो चुका है। और जब ये सेकेंडरी ओसाइट मिलता है, और वो सेकेंडरी ओसाइट की स्टेज में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद वो रुक जाता है, थम जाता है, और बाद में जब भी फर्टिलाइज हो वो एक स्पर्म के द्वारा, और तभी उसमें अगेन वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद अगेन उसमें क्या होगा, मियोसिस सेकंड की सेकंड के साथ ही उसके अंदर वापस डिवाइड हो जाएगा वो सेल, और डिवाइड होने के बाद वो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मेशन जाइगोटमी हो जाएगा। और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया, वो कहाँ हो रहा है, यूटेरस में, ओवरीज में, और इस फैलोपियन ट्यूब में, उसके साथ उसे मदद कर रहा है फिम्ब्री। आ गया आपको समझ में, ये वाला जो प्रोसेस है मैं अगेन रिपीट करूँगी जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे या स्ट्रक्चर ऑफ दिस यूटेरस और ओवरी देखेंगे, उस वक्त मैं वापस आपको डिटेल में इस बारे में बोलूँगी। अब आप समझ में आ चुका होगा ये प्रोसेस ऑफ ऊजनेसिस। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो मुझे बोलना, कमेंट बॉक्स में बोलना, जो भी क्वेरीज होंगी मैं वो वापस क्लियर करवाऊंगी आपके। ओके, अप टू डैट, हैव अ नाइस डे, बाय।